अंग्रेजों ने हमारे देश का कर दिया नाश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार कर्मवादी, फिल्म ट्रेलर समीक्षा के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं देशभक्ति के सिलसिले में, एक और फिल्म आ रही है जो 21 मार्च को, जिसका नाम है ए वतन ए वतन। जी हां दोस्तों, ये वतन जो टाइटल है उसने अभी उत्साह और जोश उत्पन्न किया है। इस फिल्म ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि कैसे 1947 में हमारे देश में एक आजादी की बड़ी तादाद में क्रांति की लहर उठी थी, और उस लहर में कैसे हमारे गांधी जी ने, यानी कि हमारे बापू ने, हिंसा को अहिंसा से खदेड़ा था। और इसी मुद्दे को फिर से सिल्वर स्क्रीनों पर देखने के लिए एक बार आप तैयार हो जाएं कि हमें बापू यानी कि गांधी बाबा फिर से एक बार देखने को सिल्वर स्क्रीनों पर मिलेंगे, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपने अहिंसा के दम पर हिंसा को फिर से अपने डंडे से खदेड़ा है। और उसमें बहुत सारे नए एक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं और उन्हें अपने देश से यानी कि भारत देश से खदेड़ना चाह रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में मोटा मोटी यही दिखाया गया है कि कैसे एक हमारे देश को स्वतंत्रता के लिए कैसे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था और कैसे आखिरकार अपने देश को आज़ाद कराया था। वैसे अगर हम इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके बात करें तो ट्रेलर नो डाउट अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर हम आर्ट की बात करें तो इस आर्ट में 1947 के लगभग की चीज़ें देखने में थोड़ा मिसमैच लग रही हैं, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन कहीं ना कहीं भी नज़र आया हो, लेकिन फिर भी ये फिल्म देशभक्ति को डेडिकेटेड है। और इस फिल्म को आप देखें, ये फिल्म क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, और कैसे इस फिल्म में देशभक्ति को लेकर के एक मुद्दे को उठाया गया है, तो इस फिल्म को 21 मार्च को आप सिनेमा घरों में जाकर के अवश्य देखें। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कन्नन लायर और राइटर हैं दर्द फारूक और कन्नन लायर। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें, सारा अली खान और स्पर्श श्रीवास्तव आपको देखने को मिलेंगे इस फिल्म ट्रेलर में। इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी नए फिल्म ट्रेलर के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी कि आने वाली फिल्मों की और आपके चहेते एक्टर डायरेक्टर और आपकी फेवरेट हीरोइन। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।